यह श्री श्याम बाबा मंदिर का गेट नंबर 1 है, जहाँ पर श्री कृष्ण व श्री बर्बरीक जी को शीश दान देते दिखाया गया है। इससे आगे ही वह पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके सभी पत्तों के अंदर श्री बर्बरीक ने एक ही तीर से छिद्र किए थे। राम राम जी सारा ने। तो कैसे हो आप सब? हम उम्मीद करेंगे कि आप सब स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहें। आज हम आ चुके हैं प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम पर। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्याम बाबा मंदिर में हर एकादशी द्वादशी व रविवार के दिन काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। यहाँ पर श्याम बाबा मंदिर के 3 मुख्य द्वार हैं। 1 नंबर द्वार से गांव के रास्ते आने वाले व्यक्ति व पैदल यात्री जाते हैं। गाड़ी या बाइक से आने वाले सभी यात्री 3 नंबर द्वार से जाते हैं। तो हम चलते हैं मुख्य द्वार 3 नंबर पर। इसी रास्ते पर चुलकाना गांव का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी है। हम अपनी बाइक को यहीं साइड में लगा देते हैं, फिर हम पैदल चलते हैं आगे। यहाँ पर दोनों साइड खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं, और इनके साथ ही प्रसाद की भी दुकानें हैं। हमने यहाँ पर जूते निकाले हैं और प्रसाद लेकर अब हम अंदर चलते हैं। गेट के ऊपर श्री कृष्ण जी व अर्जुन रथ के साथ में दर्शाए गए हैं। अंदर आते ही यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर बनाया गया है। इस शिव मंदिर के अंदर सुंदर शिवलिंग भी है। आज हम रविवार के दिन आए हैं, तो देखते हैं कितनी लंबी लाइन मिलेगी। तो चलते हैं आगे। इसी गांव की भूमि पर बताया जाता है कि शीश के दानी बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पुत्र व घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक जी की इच्छा हुई कि वो पांडव व कौरवों का युद्ध देखने जाए, लेकिन उनकी माता ने कहा कि अगर तुम जाओगे तो हारने वाले का साथ देना। उसके बाद श्री बर्बरीक जी युद्ध भूमि में पहुंच गए, और उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया कि उनकी माता ने उन्हें कहा है कि इस युद्ध में जो भी हारेगा तुम उनका साथ देना, और इसी के साथ उन्होंने 3 बाणों का परिचय भी दिया, जो उन्हें महादेव और सिद्धांबिका देवी से प्राप्त हुए थे। 40 मिनट लाइन में लगने के बाद हम मुख्य द्वार के पास आ चुके हैं। तो हम आपको बाबा श्याम जी के दर्शन कराते हैं, चलते हैं अंदर। अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्री श्याम जी का पूरा परिचय हम आपको वीडियो में दें, तो आप कृपया कमेंट करके जल्दी से बताइए। हम आपको अगले वीडियो में बाबा श्री श्याम जी का पूरा परिचय सुनाएंगे और मंदिर का दोबारा से पूरा दृश्य दिखाएंगे, और इसके साथ ही चुलकाना गांव का पूरा वीडियो भी व पूरी जानकारी भी आपके साथ साझा की जाएगी। अभी हम बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। बताया जाता है कि शीश के दानी श्याम बाबा जी के 2 धाम हैं, चुलकाना व खाटू।
श्री श्याम बाबा जी के दो धाम हैं, एक चुलकाना धाम और एक खाटू गांव में बना खाटू श्याम जी धाम। यह भगवान नारायण जी का विराट रूप है, जो बर्बरीक जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें दिखाया था। अभी हम पार्क से दूसरी ओर चलते हैं, क्योंकि उस साइड लाइन है। यह श्याम बाबा जी का कुंड है। और श्याम बाबा जी के कुंड के साथ में ही भगवान हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा भी बनाई गई है। और कुंड के साथ में यहाँ पर श्री श्याम बाबा जी का पूरा परिचय दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर मुख्य गेट के साथ में वह पीपल का पेड़ है, जिसके सभी पत्ते बर्बरीक जी ने एक ही तीर से छेद दिए थे। यह श्री श्याम बाबा मंदिर का गेट नंबर एक है, जहाँ पर श्री कृष्ण व श्री बर्बरीक जी को शीश दान देते दिखाया गया है। और सामने वही पीपल का पेड़ है, जिसके अंदर कुछ समय पहले आग लग गई थी, लेकिन ये पेड़ आज भी हरा भरा है। और बताते हैं कि यह वही प्राचीन पेड़ है, जिसके नीचे श्री बर्बरीक जी ने अपना तीर का परिचय दिया और इसके सभी पत्ते एक ही तीर में छेद कर दिए थे। सभी भक्तों का एक ही प्रश्न रहता है कि श्याम बाबा जी के दो धाम चुलकाना व खाटू धाम बताए जाते हैं, जिनमें केवल श्याम बाबा जी का सीसी है, तो दड़ वाला मंदिर या समाधि कहाँ पर है? उसके लिए हमें बताया गया है कि दड़ रोहतक जिले के सामण गांव के अंदर बने पुराने मंदिर के अंदर है, जहाँ पर केवल दड़ ही दिखाया गया है, उस पर शीश नहीं है। और आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।